एक्टिंग जागरूक अभियान जो शुरू करने जा रहा हूँ उसकी घोषणा करूंगा, और हम जो वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं उस वेबसाइट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से वेबसाइट किए हैं और किस तरह से हम आगे जाने वाले हैं। सबसे पहले वेबसाइट लॉन्च की पार्टी में मैं वेबसाइट दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। ये हमारी टीम है जो पिछले कुछ सालों से हमारे साथ में नाटक कर रही है और बहुत अच्छे परफॉर्मर है। हमारा उद्देश्य नए लोगों को लेके टीम बनाना था जिसमें मैं कामयाब हुआ हूं, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। हम जितने एक्टर के प्रति उदार हैं ठीक उतना ही हम प्रोड्यूसर के प्रति उदार हैं। इसलिए हमारे इस पेज पे आपको एक्टर की बेनिफिट भी दिखते हैं और दूसरे तरफ प्रोड्यूसर के बेनिफिट भी दिखते हैं, क्योंकि फिल्म सिर्फ एक्टर के बेस पे नहीं बनती और फिल्म सिर्फ प्रोड्यूसर के बेस पे नहीं बनती। फुलट्रम फिल्म का मतलब है इक्वल बैलेंस। हम एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में इक्वल बैलेंस बनकर काम करते हैं, जिसका उदाहरण आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं। पिछले 8 सालों के एक्सपीरियंस अनुभव हमारा जो है लोगों के समर्थन के साथ है। जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमें प्रोत्साहित किया है अपने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, उसका जीता जागता उदाहरण आपके स्क्रीन पे है। हमने कितने फिल्मों का काम किया है और क्या क्या किया है आप एक एक कर देख सकते हैं। नहीं नहीं सही है बाद में करना है। एक्टिंग जागरूक अभियान आज तक भारत में किसी ने नहीं किया है। वेबसाइट लॉन्च करने का मतलब है कि हर लोगों तक पहुंचना, आसानी से लोग इसको वेबसाइट को देख सकें, हमें कांटेक्ट कर सकें, इसलिए वेबसाइट लॉन्च को करना था। और वेबसाइट लॉन्च को सिर्फ इतने ये छोटे से शहर में नहीं, इसको बहुत बड़े स्केल पे करना है, लोगों तक पहुंचे, गली गली पहुंचे, इसके लिए हम जितनी भी कोशिश है इसलिए हम लोगों ने वेबसाइट लॉन्च करी है। तो जैसे कि मैंने आपका ये पूरा प्रदेश देखा, आप बड़े बड़े फिल्म से आपके अंदर तो आप
जब भी फिल्म बनती है कास्टिंग रिक्वायरमेंट आती है, कास्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, बिना कास्टिंग के, बिना किसी एक्टर के फिल्म नहीं बन सकती। तो जितनी भी फिल्में बनती हैं तो लोग हमें कॉल करते हैं, हमें बुलाते हैं कि हमें ये कास्टिंग करनी है, हमें ये एक्टर चाहिए, हमें ये एक्टर चाहिए। उसके बारे में पूरा हम सर्च करते हैं, देखते हैं, उसके देखने के बाद में हम उनके ऑडिशंस करते हैं, फिर वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं, फिर डायरेक्टर को दिखाते हैं, डायरेक्टर फिर सेलेक्ट करता है, फाइनल करता है, तो हम लोग एक्टर को फाइनल करते हैं। और पिछले 8 सालों से ये जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, इससे हमें बहुत सारे लोगों को, नए नए लोग मिले हैं और नए नए लोगों को एकत्रित करना है। देखिए, एक्टिंग की फील्ड में कौन स्टार बनता है, स्टार बनने के बाद में वो निकल जाता है। मैं इसलिए इसमें किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा। बहुत सारे लोग हैं जो 3 साल पहले हमारे पास आए थे, आज वो स्टार बन चुके हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास में ऑडिशन देते थे, वो आज स्टार बन चुके हैं। तो मैं किसी के नाम की घोषणा नहीं कर सकता कि वो स्टार बना है, वो मेरी वजह से नहीं बना। हमारा काम है उन्हें मौका देना, स्टार बनना उनका मुकद्दर होता है। हमारे वेबसाइट के जरिए जुड़ सकता है, हमारे एक्टिंग जागरूक अभियान के तरह जुड़ सकता है, और कोई भी जुड़ना चाहे तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कोने कोने में आप पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपने कुछ स्पेशली काम किया है कि ताकि लोगों के तक पहुंच सके कोने कोने में? समझ में नहीं। मार्केट जैसे मार्केटिंग के आप वेबसाइट को कोने कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर स्पेशली कुछ काम किया गया है? समझ में नहीं आया। मार्केटिंग कितना की आप देख लो, लोगों तक पहुंचने के लिए एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरी होती है, क्या कर रहे हैं आप लोगों तक ताकि छोटे-छोटे शहरों में भी पहुंच सके? इसी के लिए इन्होंने जो है वेबसाइट का निर्माण किया है, जिससे कि ईजली लोग वेबसाइट को लॉगिन करके अपना रिज्यूम एंड डाटा भर के उसको इनसे कनेक्ट हो सके। अभी देखिए वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए बाद में, अभी सिर्फ वेबसाइट लॉन्च हुई है, इसके पीछे जो हम लोगों ने काम करने की जो सोची है वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। क्योंकि हम गली गली जाने के लिए हम लोग रोड शो करेंगे, हम लोग स्ट्रीट प्ले करेंगे, हम लोग पब्लिक के बीच में जाएंगे, हम लोग सोशल अवेयरनेस करेंगे, तो हम वेबसाइट को पॉपुलर करेंगे और लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। सर, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हिमालय जी, और जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसे अभी देखा होगा आपने, इंडस्ट्री में बहुत से लोग हैं जो वेबसाइट्स का अनुगमन कर रहे हैं, इनोगेशन हो रही हैं, लेकिन सबका तरीका अलग अलग है। जैसे सर ने अभी गली गली की बात की है, तो ये गली गली जाके उस प्रतिभा को निकालेंगे, तो इट्स अ रियली बिग अचीवमेंट है इनके लिए भी कि आर्टिस्ट के यहाँ जाके आर्टिस्ट को लेके आना। बहुत लोग ऐसे हैं हमारी इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्री से बाहर भी हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन किसी ना किसी वजह से, या गरीबी या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो नहीं बन पाते। तो ये लोग वहाँ जाएंगे, अगर उसमें प्रतिभा है तो वहाँ से उसको लेंगे और अपने इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कराएंगे, वहाँ से एक्टिंग स्किल दी जाएगी उसको, जिससे वो अपनी प्रतिभा अच्छे से दिखा सके स्क्रीन पे और अच्छे से उसका सिलेक्शन हो सके। हिमालय सर हमेशा हर किसी की हेल्प करते हैं, क्योंकि आज क्या है, जब कोई मुंबई में आता है एज एन आर्टिस्ट, वो स्ट्रगलर होता है, उसे बहुत सारी चीज़ों का फेस करना पड़ता है। जब वो किसी के पास जाता है, उसे बोला जाता है कि ठीक है, हम आपको कास्ट कर देंगे, हम आपको रोल दे देंगे, आप पैसे दो हमें, ये करो वो करो, रजिस्ट्रेशन करवाओ, बहुत कुछ होता है। बट जब हिमालय सर के साथ कोई जुड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर कहते हैं कि हम आपको फ्री वर्कशॉप देंगे, जो कि मैंने कभी कहीं देखा नहीं, सुना नहीं, और मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो हिमालय सर के साथ जुड़ने के बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इनकी फ्री वर्कशॉप्स ज्वाइन की, इनके साथ काम किया, और बहुत सारा बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं हिमालय सर से ऑडिशन के थ्रू ही मिली थी,
इनफैक्ट मैं उनके पास ऑडिशन देने आई थी एंड देन आई फाइंड आउट कि वो सच में बहुत अच्छे हैं, वो जेन्युइनली वर्क दिलाते हैं लोगों को, बस ऐसे ही रील्स भरने के लिए ऑडिशंस नहीं होते. उनके पास जो ऑडिशंस होते हैं वो सच में मेन कास्टिंग पर्सन्स के पास जाते हैं और काम भी मिलता है क्योंकि मुझे मिला है. सो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कास्टिंग काउच बहुत सारे होते रहते हैं कास्टिंग, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स? देखिए कास्टिंग काउच से हमें कोई मतलब नहीं है. कास्टिंग काउच इज नॉट ए कास्टिंग डायरेक्टर. वो बाहर जाके क्या करता है, बाहर जाके क्या मिलता है, क्या बोलता है, वी आर नॉट कंसर्न इन दैट. सर जैसे कि मैम के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं तो आप किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं? विदाउट इनकम ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलता है, आपको कहाँ से फंड होता? देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब चलाना बहुत मुश्किल है. इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे साथ बहुत सारे लोगों का समर्थन है. और पैसा ही बड़ी चीज़ नहीं है हमारे लिए, हम जितना कमाते हैं और जितना मिलता है हमें काफ़ी है. तो आप कुछ चार्जेस करते हैं किसी से या किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, मतलब विदाउट इनकम आप क्या फैसिलिटीज देते हो? आप बहुत फैसिलिटीज आर देयर, लाइक अगर आपके यहां कोई स्टूडेंट आता है आपके साथ कोई जुड़ता है तो उसको आप हाउ डू यू प्रमोट दैट, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? देखिए कहने को कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे बहुत सारे हैं और कुछ लोग नहीं हैं तो अपने आप को कहते हैं. बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर भाई भतीजावाद के मामले में फंसे पड़े हैं कि वो अपने भाई को काम देंगे, अपने चाचा को देंगे, या वो एनर्जी से करके आया तो देंगे. लेकिन हमारे कास्टिंग एजेंसी में या हमारे कास्टिंग में ऐसी कोई बात नहीं है. हम एक्टर तलाशते हैं ना कि रिलेशन. रिलेशन हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मायने नहीं रखती. इसलिए जब भी हमारे ऑडिशन होते हैं हम खुल के ऑडिशन करते हैं, सबको ऑडिशन के लिए सबको ऑडिशन का मौका देते हैं. और उस ऑडिशन के जरिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो रियली टैलेंटेड होते हैं, तो हमें मौका देने में हमारा मकसद कास्टिंग करना है ना कि और कुछ. सर देयर इज अ थैंक यू फॉर गिविंग अ चांस. देयर इज अ रियली रियली वन मोर थिंग इज रियली इम्पोर्टेंट नाउ आई गोइंग टू टेल यू कि जो अभी मैं हीरोज़ का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ वो इनकी कास्टिंग से मुझे ब्रेक मिला है, जो ये सीक्रेट था बट मुझे लगा कि बोलना चाहिए मुझे. तो हीरोज़ की जो मेरी फिल्म आने वाली है वो इन्हीं के थ्रू मैं कास्टिंग हूँ. तो आई वॉज न्यू जब मैं मुंबई आया था, इनसे मिला था, बातचीत हुई, रिलेशन बना, अच्छा लगा. बट आई एम ट्राइंग अगेन अगेन अगेन. तो फिर कास्टिंग आई इनके पास, जैसे कि ये बता रहे हैं कास्टिंग आई, फिर इन्होंने मुझे प्रमोट किया, मैंने ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन हुआ. तो nowadays I'm doing Eros project with Vedika Pratap and Rajesh Pal ji. तो अभी इनके साथ जुड़ने का मेरा ये मकसद है, जैसे I'm not belong to industry, you know, and no Kapoor, no Khan's family. So मैं एक मतलब middle class family से belong करता हूँ. तो उसमें क्या होता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा hardwork करना पड़ता है अपनी एक पहचान बनाने के लिए इंडस्ट्री में. उसके लिए हमारे साथ अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है, जैसे कि हिमालय जी हैं. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी ये स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेंगे क्लासेस उनके लिए, चाहे वो अपनी जेब से दें. आई डोंट नो वेयर फ्रॉम ही गेट मनी. हमें वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, हमें अच्छी सोच ये सोचनी चाहिए कि ये सोच रहे हैं. इस दिस एटमोसफेयर में अभी बहुत कम लोग हैं ऐसे जो इस बारे में सोचते हैं, आर्टिस्ट को प्रमोट करते हैं. नहीं तो आप कहीं पर भी जाइए, फॉर्म के चार्जेस होते हैं, वेबसाइट के चार्जेस होते हैं, क्लास ज्वाइन करने के चार्जेस होते हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे इंडस्ट्री में बट इनका ऐसा नहीं है. तो बिना बेनिफिट के जुड़ रहे हैं इनके साथ, ये हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटी है और इनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है. जैसे मैंने बताया मैं जुड़ी तो एक ऑडिशन के थ्रू थी और मुझे हिमालय सर ने काम दिलाया है, काफ़ी काम दिलाया है.
तो फिलहाल आई वुड से कि मैं इसको प्रमोट करूँगी, एज इन अगर मैं किसी दूसरी जगह जाती हूँ तो मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि हाँ मैं इनसे जुड़ी थी और इन्होंने मुझे ये चीज़ दिलाई, तो मुझे वो बोलने में कुछ बुरा नहीं लगेगा या छुपाने जैसा नहीं होगा, तो दैट्स हाउ आई एम गोना प्रमोट इट। आपने कौन कौन से किरदार निभाया जो आपको डांस जी? एक तो एड में मुझे मिला था, देट वॉज अ लीड रोल बट इन अ यूट्यूब एड, एंड दूसरा इट्स अपकमिंग मूवी ऑफ यशराज, सो आई एम गोना डू अ कैमियो इन दैट, तो वो भी मुझे इनके थ्रू ही मिला है, सो आई एम थैंकफुल टू हिम। पूरी इंडस्ट्री ढूंढ लेंगे तो तीन ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, तीन बुड्ढे नहीं मिलेंगे। अगर आपको पांच की कास्टिंग करनी पड़ेगी तो आपको मेकअप करना पड़ेगा, और वो मेकअप बहुत कॉस्टली होता है, मेकअप को कंटिन्यूटी बरकरार रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो अगर मैं कुछ ऐसी जगह पर जाके उनका उनको प्रमोट करता हूँ या वहाँ से कुछ चीज़ें निकाल कर लाता हूँ तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत आसान होगा। जैसे वृद्ध आश्रम से, जहाँ पे बुढ़े ऑलमोस्ट उनकी लाइफ ख़त्म होती हुई दिख रही है, मैं उनके बीच में जाऊँगा, मैं उनको जागरूक करूँगा, ये जागरूक अभियान उन्हें जागरूक करेगा, हमारी टीम उनके साथ जाएगी और उनकी जो आखिरी ज़िंदगी है जितना खुशहाल बना सकूँगा वो मेरे लिए एक कीमत होगा और हमारी कास्टिंग आसान होगी। ठीक उसी तरीके से सड़क पे पड़ते हुए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कोई रास्ता नहीं है, जिनको रोटी नहीं मिलती, एक वक्त खा के भी वो स्ट्रीट पे पड़ते हैं, जिनको कॉपी नहीं मिलती, मैं उन बच्चों के बीच में जाकर अपना अभियान शुरू करूंगा, उन बच्चों में टैलेंट ढूंढूंगा, उन बच्चों को कास्टिंग करके दूंगा, जिससे कि आज स्ट्रीट के बच्चे गाड़ी में आने वाले नहीं मिलते, एसी में घूमने वाले बच्चे बहुत होते हैं, मॉडल गाड़ियों में आती है बहुत होती हैं, लेकिन रियलिस्टिक अगर देखी जाए तो उन मॉडल में नहीं है, उन बच्चों में नहीं है। तो मैं उन रियलिस्टिक उन स्ट्रीट के बच्चों को मौका देना चाहता हूं जो कि आएं और हमारे इस अभियान में सहयोग दें और हमारी कास्टिंग को आसान बनाएं।